हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल विजिट के लिए जा रही हूँ, और यहाँ पर ना फिजिकल एनुअल चेकअप होता है सभी का, तो उसी के लिए जा रही हूँ मैं। और तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो क्रिएट करूँ, ताकि आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे होते हैं। बट ये न्यू बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, तो न्यू बिल्डिंग है तो न्यू फैसिलिटी है। और यहाँ पर अधिकतर ना हॉस्पिटल्स मॉल जैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और अलग अलग सेपरेट एरिया होता है, वेटिंग एरिया अलग होता है। फिर वहाँ पर जब आप रिसेप्शन पे जाओ, रिसेप्शन में जाने के बाद फिर आपको दूसरे रूम में भेज दिया जाता है, वो रूम भी सेपरेट रहता है। आपका किसी पेशेंट से कॉन्टेक्ट में नहीं आते, आपके सेपरेट सेपरेट रूम दे देते हैं कि आप वहाँ जाकर बैठो, आपकी डॉक्टर आपके रूम में आएगी, आपको चेक करेगी। चाहे वैसे ही बच्चों का भी होता है, जैसे आयु का पीडियाट्रिक के पास जाते हैं तो आयु के पीडियाट्रिक के पास भी यही होता है, रिसेप्शन वेटिंग एरिया में बैठो, फिर आपको नर्स आएगी बुलाने के लिए, फिर वो आपको सेपरेट रूम में भेज देगी, आप अपने बच्चे को लेकर सेपरेट रूम में चले जाए और फिर वहाँ पर फिर डॉक्टर आ जाएगी आपके विजिट के लिए। तो आप किसी के भी कॉन्टेक्ट में नहीं आते, आपको सेपरेट बैठने की जगह होती है। और मेरे को लगता है जब से कोविड आया है, उसके पहले से यहाँ की प्रैक्टिस में ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आए। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज। अब मेरे हॉस्पिटल का टूर देखिए। थैंक यू।